चलिए शुरू करते हैं। देखिए तिवारी जी, मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को कैसा क्या इलाज है वो मुझसे ज्यादा तिवारी जी समझते हैं, क्योंकि ये तो साथ रहे हुए हैं, तो मैं इन पर कैसे टिप्पणी करूंगा। सही बात है। मैं आपको ये याद दिला दूं, अंजना जी या संबित पात्रा जी यहाँ बैठ के बोलते रहते हैं सबके बीच में, अरे देवा, 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शासन किया था। ये क्या लोगों को भाषण देते हैं बैठकर, अरे तुम उसके साथ मिल गए, तुम इनके साथ मिल गए। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। Once more. अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो ये नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं उनको हिंदू में वापस से दोहराता हूँ, जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये भले उनके पीछे छिप जा रहे हैं, हम हिंदू नहीं हुआ। ये भगवान क्या जुलुम है। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए, आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। अरे वाह, गुड आइडिया। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। चुप रहना भाई। यहाँ आकर तिवारी जी को मौलवी कर क्या है, ये तरीका है, ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो सुबह से शाम तक बैठ के, शर्म नहीं आती तुमको यहाँ बैठकर? अजीब बातें करते हो, क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए अभी आपको संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश का। हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है। अरे वाह, गुड आइडिया। ये आपकी पहचान है, इसलिए यहाँ बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है, आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं। मैं जानता हूँ आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आपको कोई ज्ञान नहीं है ना इतिहास का, ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे, अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लोगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। अखंड भारत, अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गया। सोच समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे, समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, फिर आकर यहाँ भाषण दो और दलबत्ती दिखाओ। बहुत अच्छा बोला। पूछिए अंजना जी, किशोर तिवारी जी पहले शाखा में जाते थे या नहीं जाते? हाँ, इनका थोड़ा है। मौलवी तिवारी क्या है, मौलवी क्या गाली होती है? जवाब सुनिए। और जब ये चांदनी चौक, ये जब दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे थे संबित पात्रा जी, जब दिल्ली से कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे थे जो हार गए, तब ये मुसलमानों के आगे क्या संबित जी जवाब दीजिए, हाथ फैलाकर घूमते थे? जवाब सबको किसी ने नहीं कहा मौलवी संबित पात्रा, ये क्या माहौल बना रहे हो?